और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हालेलुया। और आज 16 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है यशाया नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 18 पद के अंदर। यशाया नबी की पुस्तक 30 अध्याय और उसका 18 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन बताता है कि वह अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। अति करुणामय वो परमेश्वर है। अति करुणामय, कैसी करुणामय? अति करुणामय परमेश्वर है। अनुग्रहकारी, अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। करुणा पर करुणा, प्रतिभोर उसकी करुणा जो है वो नई होती है। दया पर दया करने वाला, दया का सागर, क्षमा और क्षमा और क्षमा करने वाला, क्षमा की खान। हालेलुया। ओ हालेलुया, कितना महान परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर। हालेलुया। दया का सागर, क्षमा की खान हमारा परमेश्वर है, जो हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमको तैयार करता है अपनी सामर्थ के द्वारा, ताकि वो हमको और सामर्थ दे सके। आपने सुना मैंने क्या कहा? परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमको तैयार करता है ताकि हमको और सामर्थ दे, हम पर अनुग्रह करता है ताकि हम पर और अनुग्रह हो, फिर हम पर अनुग्रह करता है ताकि हम पर और अनुग्रह कर सके, क्योंकि वो हम पर और अनुग्रह करना चाहता है, हम पर और दया करना चाहता है, हमें और सामर्थ देना चाहता है, हमें और गीत देना चाहता है, हमें और शब्द देना चाहता है, हमें और भाषाएं देना चाहता है, हमें और आत्माएं देना चाहता है, हमें और गवाहियां देना चाहता है, हमें और इस्तेमाल करना चाहता है, हमें और जगह जगह ले जाना चाहता है, हमारे द्वारा और सुसमाचार के नए नए प्रकाशनों को वो देना चाहता है। हालेलुया। हमें और बल, और शक्ति, और सामर्थ देना चाहता है, हमारे अंदर और पवित्र आत्मा के फलों को लगाना चाहता है, हमारे अंदर और पवित्र आत्मा के वरदानों को वो इस्तेमाल करना चाहता है, और करना चाहता है वो। हालेलुया। और मस्सा देना चाहता है, और अभिषेक, और सामर्थ देना चाहता है, वो हम पर और अनुग्रह करना चाहता है। वो आप पर और अनुग्रह करना चाहता है हर समय, वो हमको और देना चाहता है। आप लेने वाले बनिए। बर्तन की कमी हो सकती है, तेल की कमी नहीं। तेल तो बहता रहेगा, जब तक बर्तन रहेंगे तेल क्या होगा? बहता रहेगा। तेल की कोई कमी नहीं है, तेल की कोई कमी नहीं है, सामर्थ की कोई कमी नहीं, अभिषेक की कोई कमी नहीं, आत्मिक गीतों की कोई कमी नहीं है। हालेलुया। अन्य भाषा के शब्दों की कोई कमी नहीं है। हालेलुया। लेकिन लेने वाले बनो, लेने वाले बनो। आत्मा से परिपूर्ण होना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी है, आत्मिक गीतों को लिखना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। परमेश्वर के पास बहुत है, आप जिम्मेदार बनो, आप लो, परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। आप कोशिश करो, आप कोशिश करो। हालेलुया। आप कोशिश करो। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को कोई गीत नहीं मिला, मेरे को कोई गीत नहीं मिला। जब मुझे कोई कहता है कि नहीं मैंने आज तक कोई गीत नहीं बनाया, तो मैं उससे ये पूछता हूं, क्या आप कभी परमेश्वर के चरणों में घुटनों पर पेपर और पेन लेकर, नोटबुक और पेन लेकर बैठे कि प्रभु मुझे आत्मिक गीत दीजिए, क्या आपने ऐसा किया? वो कहते नहीं। तो मैंने कहा कैसे मिलेगा फिर आपको? हालेलुया। कैसे मिलेगा आपको? परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है मेरे प्रियो।
हालेलुया, हमें लेने के लिए तैयार होना। परमेश्वर हमारे मुंह को भरना चाहता है लेकिन हम मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं अपने आप ही कुछ आएगा, अपने आप ही कुछ मुंह से निकलने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य अन्य भाषाओं के शब्द, नई नई भाषाएं, नए नए शब्द, लिखा है पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे बोलने लगे। बोलना उनका काम था, वो बोले। हालेलुया, प्रभु कहता है तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में प्रार्थना करो। प्रभु कह रहा है तुम आत्मा में प्रार्थना करो, और हम उन शब्दों का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, यदि हम में विश्वास है, हम विश्वास के साथ बोलेंगे। विश्वास का आत्मा हमारी मदद करेगा, वो हमें सिखाएगा, वो हमें शब्द भी देगा, वो हमें उसका अनुवाद भी देगा, वो हमें इस्तेमाल भी करेगा, वो हमें सिखाएगा, वो हमें चलाएगा, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें समझाएगा, वो हमें उठाएगा, वो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देना चाहता है, सामर्थ पर सामर्थ जो है परमेश्वर जो है वो हमें देना चाहता है। हमें उस सामर्थ का भूखा और प्यासा बनने की जरूरत है। धन्य है वे, मत्ती 5:6 में लिखा है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाए। हालेलुया, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हमारे अंदर उस आत्मा की भूख और प्यास होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर भूख और प्यास है, परमेश्वर हमें तृप्ति जरूर देगा। धार्मिकता की भूख और प्यास, हालेलुया, हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके आत्मा की भूख और प्यास। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष करे। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष करे। तो आज के इस डेली डिवोशन में हमने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर जो है वो हम पर अनुग्रह करना चाहता है, हमें सामर्थ और सामर्थ देना चाहता है, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें कोशिश करनी है, और हमें परमेश्वर के सामर्थ के लिए भूखा और प्यासा बनना है ताकि हम परमेश्वर की उस सामर्थ को पा सकें। हालेलुया, तो आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप YouTube पर इसी वीडियो के नीचे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर जरूर दें कि किस प्रकार एक विश्वासी अपनी भूख और प्यास को परमेश्वर को दिखा सकता है। अपनी आत्मिक भूख और प्यास को कैसे हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं, जरूर सोचें, मनन करें और जरूर कमेंट करें। शरीर रोकेगा, मन रोकेगा, लेकिन आत्मा कहेगी कि करो। इसलिए आत्मा की बात सुनना और जरूर जवाब देना कि कैसे हम अपनी आत्मिक भूख और प्यास को परमेश्वर को दिखा सकते हैं, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से हमको भरे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू, हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस।